गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग हेल्दी और सेहतमंद होंगे। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, रास्ते सुनसान है। नहीं, अभी गाड़ियाँ आ रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, लॉन्ग वीकेंड हो। ठंड लग रही है, चलिए तो अंदर। लहसुन लाई थी तभी, उसमें से ऐसी कलियां निकल रही है, तो कट करके इसको यूज कर लेंगे, चटनी बनाएंगे या थोड़ा क्रश करके फ्रीजर में रख देंगे। कभी ऐसा होता है ज़्यादा ला दिया, याद नहीं रहा तो ऐसा हाल हो जाता है। ऐसे कलियां निकल जाती है। और ये देखिए सूर्य देवता, सुंदर से है ना। अभी धूप में बैठे बैठे ये सब काम निपटा लेती हैं। मम्मी वहाँ वेजिटेबल वॉश कर रही हैं। कोथमीर सब कुछ कल लाए थे, वो सब वॉश करके रख देंगे। आज का दिन है, इसी में चला जाएगा। अभी पापड़ी धो के अभी उसको कट कर देते हैं। सारी सब्जियां धुल चुकी हैं, कोथमीर, ये मीठा लिमड़ा, करी लीफ का पत्ते, सब कुछ धुल चुके हैं। और अब हम उसको कट और साफ कर देंगे। टीम वर्क। जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं मम्मी? बेजन जा जा, हाथ रड़िया मना। पोहे बना रही हूँ, और इस तरह अदरक वाली चाय, अदरक का पानी उबल रहा है। हम क्या करें, उबलते हुए पानी में ये चाय पत्ती जाएगी। वाओ, कितना प्यारा कलर आ गया। और ये तेल गरम हो चुका है, तो हम पोहे बना लेते हैं। जो गया एक कट किए हुए ग्रीन चिली है और करी लीफ के पत्ते हैं। गर्मा गर्म चाय, 10:43 हो गए हैं। तो आ जाइए सभी लोग पोहे और चाय खाने के लिए। अभी इस पे कोरिएंडर ऐड कर देंगे और थोड़ा लेमन जूस ऐड कर देंगे, तो बढ़िया से टेस्टी टेस्टी पोहे तैयार हो जाएंगे हमारे। परवर को ऊपर ऊपर से ऐसे क्लीन कर देते हैं।
ऐसे, और फिर छोटे छोटे पतले पतले पीस में कट कर देते हैं। इसके बाद भिंडी की बारी आएगी, वो तो कट हो गया, लहसुन कट क्लीन हो गया है, अभी उसका भी करना है। भिंडी की सब्जी कट हो गई, परवल की सब्जी कट हो गई, ये बीन्स की सब्जी कट हो गई, और ये कोथमीर, ग्रीन चिली और लहसुन की मैं पेस्ट बनाने जा रही हूँ। अभी तो सारे वेजिटेबल कट हो गए हैं, अब इनको फ्राई कर देंगे। गाड़ी को क्लीन कर देते हैं, ठंडी तो है लेकिन अभी क्लीन कर देंगे, क्योंकि देखिए बहुत इतनी भी गंदी नहीं है मेरी गाड़ी, लेकिन ये देखिए विंटर में ये सब कुछ थोड़ा गंदा हो गया है। और पीछे से सब कुछ क्लीन, गाड़ी होती है तो गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और आता है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। यहाँ से पानी आता है, अभी हम लोगों ने विंटर में यहाँ बंद कर दिया था, तो इसको हम ओपन करके पानी चालू कर देते हैं। पानी चालू हो गया है, यहाँ से पानी आता है, तो हम गाड़ी धोना शुरू कर देते हैं। साइड का तो क्लीन ही है, ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। लिक्विड वाले पानी से पहले क्लीन कर दे, वॉश कर देते हैं। ऐसे फिर अच्छे पानी से क्लीन कर देंगे तो हमारी गाड़ी चकाचक हो जाएगी। ईस्टर मंडे हमने ऐसे गाड़ी क्लीन करके स्पेन कर रहे हैं। गाड़ी अच्छे से वॉश हो गई है, क्लीन हो गई है अंदर से बाहर से। अभी इसको थोड़ी ड्राई होने देते हैं, फिर क्लीन कर लेते हैं। देखिए पानी पानी हो गया है सब कुछ, और ये हमारा आज का दिन गाड़ी क्लीन करने में निकल गया। गाड़ी साफ करके थक गए, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। बाहर एकदम घना अंधेरा हो गया है, और यहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर आपसे मिलते हैं। ओके, मेरे हाथ देखे कितने सूज गए हैं, गाड़ी क्लीन करते करते काले भी हो गए हैं, और एकदम फिंगर देखे सूज गए हैं। चलिए थोड़ा रेस्ट करके 15-20 मिनट फिर मिलते हैं आपसे। नीचे सब्जियाँ भी पकानी है, कल की तैयारी आज से कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मम्मी कपड़े फोल्ड करने में हेल्प करा रही हैं, मेरा पूरा पलंग कपड़ों से भरा हुआ है, और अभी ये भी ऊपर का भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मेरे पास बहुत कपड़े नहीं हैं, जो है पुराने ही हैं, 4 शर्ट है, 4 पैंट है, और 1-2 फ्रॉक है, दैट्स इट। और ये जूनी पुरानी इंडिया की साड़ियाँ है, यहाँ आके तो पहनने में आती नहीं। ये है सब कुछ, पूरा रूम इतर बितर है। अरे मम्मी मुझे हेल्प करा रही है, मम्मी की भी साड़ियाँ उसने फोल्ड करके इस ब्लाउज सब कुछ अच्छे से रख दिया है, उसके लिए भी हम अभी जगह बना रहे हैं घर में। अमुक अमुक वाणी
ओह माय गॉड, स्नो स्टार्ट शुरू हो गया। बाप रे, अप्रैल महीने में भी पहली दफे देख रहे हैं इतना स्नो। देखिए तो सही, वाओ, इसे क्या कहते हैं बोलिए, ये क्या हो रहा है इस साल। भगवान रुट गए हैं लगता है, कितना फास्ट पड़ता है लेकिन। माय गॉड, मम्मी जो है तो जो तो खरी के एटलो बड़ो फास्ट पड़े स्नो। फर्स्ट टाइम आटलो फास्ट पड़तो तो जो जो जल्दी आ जल्दी। જો તો કેતો તો ને ભાઈ સ્નો પડવાનો છે, હા અહીંયા બહુ નતો પડવાનો એવું કહેતો હતો, વેધરમાં બીજા ક્યાંક પડવાના હતા, આ તો કેટલો ફાસ્ટ પડે છે તો ચાલો ઢગલા થઈ જાય, પવન તો દેખાતો નહીં, પવન એક ઝાડ હલતું નહીં, સર્જાય નહીં, અને સ્નો કેટલો ફાસ્ટ પડ પડે ધીમો। कितना स्नो गिरा है बाहर, भारी स्नो गिर रहा है, और इसी स्नो के साथ आज का दिन यही फिनिश करते हैं। आशा करते हो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप सभी लोग सही सलामत रहे, सेफ रहे और हेल्दी रहे। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। 6 बज गए हैं शाम के।